हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम अचारी आलू बनाएंगे। ये आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और ये सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन टमाटर, बिना क्रीम काजू और मलाई के बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप फ्रेश और गाढ़ा दही। दही हमें ज़्यादा पुराना और खट्टा नहीं लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक जिसे हमने कूट कर लिया है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखा नहीं होता है, केवल इससे सब्ज़ी में कलर अच्छा आएगा। अगर आपके पास ये मिर्च पाउडर नहीं है तो फिर आप इसमें केवल 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून या स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून आम के अचार का मसाला। अगर आपके पास आम का अचार नहीं है तो फिर आप इसमें कोई भी अचार का मसाला डाल सकते हैं, पर इसमें हमें नींबू के अचार का यूज़ नहीं करना है क्योंकि नींबू में कड़वाहट होती है जो कि सब्जी का टेस्ट बिगाड़ देगा। साथ में डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटने के बाद दही का मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसे अलग रखेंगे और अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई में 4 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। हमें इसमें घी या बटर का यूज़ नहीं करना है, अचारी आलू केवल तेल में ही बनते हैं। अगर आप सरसों का तेल यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून कलौंजी, थोड़े से मेथी के दाने। और अब हम इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज़ के आलू जिसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है। आलू को हमने छीलकर काटने के बाद पानी से अच्छे से धो लिया था, बाद में कॉटन के कपड़े से इसे पोंछ कर लिया है ताकि आलू को फ्राई करते समय उसमें पानी ना हो। आलू को अब हमें लगातार चलाते हुए अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। आलू को फ्राई करते हुए हमें 70% तक पका लेना है। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से कटे हुए धनिए के डंठल, 2 सूखी लाल मिर्ची से हमने तोड़ कर लिया है, थोड़ा सा नमक। धनिए के डंठल डालने से इस सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आलू को हमें लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि आलू पर बहुत ही अच्छा सा कलर दिख रहा है और आलू पक भी गए हैं। अब हम आलू में दही का मसाला डालेंगे। दही का मसाला डालने से पहले हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट ठंडा होने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद अब हम दही का मसाला डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। कई बार दही की सब्ज़ी बनाते समय दही फट जाता है, तो दही का मसाला डालते समय गैस की फ्लेम को हमें बंद करना है, फिर दही का मसाला डालकर इसे लगातार चलाते रहना है। इससे दही की बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि ग्रेवी में उबाल नहीं आ जाता। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। दही के मसाले की ग्रेवी को आपने एक बार सही से बनाना सीख लिया तो ये सब्ज़ी प्याज और टमाटर की ग्रेवी से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनती है। ग्रेवी में उबाल आने के बाद अब हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे जब तक कि सब्जी से तेल अलग नहीं हो जाता। बीच में हम इसे 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। 5 से 6 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि सब्जी से तेल अलग हो गया है, तो अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। पानी हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये सब्ज़ी ग्रेवी वाली बनती है, पर अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और 5 मिनट इसे ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही टेस्टी अचारी आलू बनकर तैयार है। इसे आप पूड़ी, पराठे या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
इस अचारी आलू की सब्जी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।